बड़ा मैनमेड टैंक है। जयसागर एशिया का सबसे बड़ा मैनमेड टैंक। हाँ हाँ, ये 45 डेज में 12,000 वर्कर्स से निर्माण किया था। 45 डेज में 12,000? हाँ हाँ। जयमती कोरी, जयमती असम का रानी था ना वो। असम का रानी था वो। किसकी वाइफ थी? गदाधर सिंह। गदाधर सिंह की वाइफ थी कौन? जयमती। जयमती। ओके, तो जयमती के लिए उन्होंने बनवाया था। उसके बेटा रुद्र सिंह ने उसका बेटा ने ये थाल आपको बना के रखा के मेमोरी के लिए। उनका स्टैचू भी आगे लगा हुआ है ना? हां, स्टैचू नहीं है यहां पर, आगे 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 उस तरफ। हां हां, बड़ा बड़ा इटालियन के आगे। हां है है। ओके, ठीक है, वीडियो करो बात। आपने मुझे नहीं आया समझ में, हिंदी। हाँ हाँ हाँ, ये रिपब्लिक इंडिया स्वाधीन भारत प्रथम रूपा देखा गया है। रिपब्लिक इंडिया का सबसे पहला वाला 1 रुपया। अच्छा। हाँ, ये वाला अपू का जो लायन सिंबल डेपी किया था, तो ये वाला जो फुट्टी करी नहीं है बोलते हैं ना कोई कोई लोग, ये है फुट्टी करी। और पहला वाला 1 रुपया बड़ा था, 1 रुपया बनाने के लिए 2-3 रुपया का जरूरत होता है। तो मेटल्स का रिस्क बढ़ाने के लिए अभी सोता कर दिया। अच्छा। ये वाला 1 रुपया है, तो ये 2 रुपया। अच्छा, 2 रुपया जब सबसे पहले बना था तभी से इसमें इंडिया का ये बना हुआ है मैप है ना, जो सबसे पुराना था तब भी। पूरे मैंने सिक्का कर दिया। तो पहले 50 पैसे को तो 1/2 रूप से डेपिक किया था। ये वाला 1/2 का 1/2। अच्छा अच्छा। 50 पैसा पहले 50 पैसा ऐसे 1/2 दिखता था। तो ये वाला 20 रुपया एक बार ही मार्केट स्टार्ट हुआ तो अभी बंद कर दिया। बंद कर दिया। ये तो बोन है अभी। ये वाला कॉइन भी देखा है। ये राइनो वाला कॉइन भी देखा है, 25 पैसे का राइनो वाला जो कॉइन होता था। ये 20 पैसा एल्यूमिनियम मैग्नीशियम मेटल से बनाया था। मेरे पास है ये कॉइन है घर पे। 10 पैसा। मेरी छोटी सिस्टर कॉइन्स कलेक्ट करती है, पुराने कॉइन्स, तो उसके पास ये सारा कलेक्शन है। 10 पैसे मैंने ये भी देखा है, 10 पैसे भी देखा है। मैंने देखा है, बट वही सिस्टर के कारण सारा कलेक्शन रखा हुआ है हमारे यहाँ अभी भी। 2 पैसा ये वाला 1 नया पैसा। एक नया पैसा। ओह, 1 नया पैसा। बहुत खुश। तू अपने नाम से बोला है ना? लेते सुन। तो सही है। अच्छा, ये सारे न्यू कॉइन्स हैं जो अभी अलग अलग ओकेशंस पे बन रहे हैं। ये भी देखा है मैंने। ये वाले कॉइन्स जो पुराने थे, ये इंदिरा गांधी की फोटो के साथ, ये उड़ीसा में हमारे तरफ बच्चों को लॉकेट में कमर में पहनाते हैं ऐसे, इस पे वो करके। और ये पुरस्कार सेलिब्रेट करने के लिए दस पुरस्कार। ये 150 इयर्स। 150 इयर्स। अच्छा अच्छा। पुरस्कार पुरस्कार ये ग्रोम ऑफ एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए जो बनाया था। ये वाला कौन सा? ये वाला ग्रोम ऑफ। अच्छा अच्छा। ये उस टाइम पे
कब का है दिख भी नहीं रहा। ये मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे बना हुआ कॉइन। 64, 21 क्या? मेन आर्किटेक्ट घनश्याम उद्दीन का हाउस। किसका हाउस है? घनश्याम घनश्याम उद्दीन। पहले वो इस्लामिक है था घनश्याम उद्दीन। अच्छा, इसलिए वो कन्वर्ट हो गया। तो ये जो बाहर घर है वो घनश्याम उद्दीन का है। उन्होंने ही यहाँ के सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस को बनाया है, तो ये उनके घर पे अब म्यूजियम बन गया है। आहुम युगों में जितना मंदिर बनाया था वो सबसे बड़ा। अच्छा, वो इतना बड़ा है जो तालाब था। ये इतना छोटा सा दिखता है ना बस रोड से। तो अभी तो डिस्ट्रॉय हो गया। डिस्ट्रॉय हो गया। अच्छा, पहले ये इतना बड़ा, अभी सिर्फ ये इतना ही दिखता है रोड से। तलातल घर है ना, मैं गई नहीं हूँ। एक ये दिखता है थोड़ा आगे और एक ये छोटा सा दिखता है। यहाँ पे रॉयल कोर्ट था, इसको आसामीस में बोलते हैं न्याय दापुकल का विचार चला। मैं न्याय दापुकल नहीं, मैं न्याय सुधा फुकन। वो जुडिशियल चीफ जस्टिस था उस टाइम। न्यायधारी फुकन, न्याय सुधा, न्याय सुधा फुकन। अच्छा अच्छा, वो एक जुडिशियल चीफ जस्टिस था। तो फिर ये जो रंगघर है, रंगघर क्या है? अगर यहाँ कोर्ट था तो मुझे तो लग रहा था रंगघर ही कोर्ट। तो एंटरटेनमेंट हाउस क्या है? एंटरटेनमेंट हाउस। अच्छा, एंटरटेनमेंट के लिए था रंगघर। मैं अब तक उसे रॉयल कोर्ट समझ रही थी। यहाँ पे रॉयल कोर्ट था, कुत्ता जेल, ये ब्लैक कैट, जो ब्लैक पैंथर है ना आजकल, तो यहाँ पे वो रहने का कमरा है ब्लैक पैंथर। ब्लैक पैंथर पैलेस में रखते थे? अच्छा, ये तो मेटर्निटी हाउस, लेबर रूम। ओके ओके। जो फॉरेस्ट एरिया देखने के लिए मिलेगी आपको, बेस हाउस आते हैं। बेस हाउस हर्बल मेडिसिन गार्डन, उस टाइम का फार्मेसी। तो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल, कॉमन रूम, वहाँ से रहने का हाउस कमरा, तो सारा बनाया था एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सारा। ये गोरगांव रास्ता। अच्छा, गोरगांव वाले रास्ते? गोरगांव में है। मैं गई थी, मुझे दिखा तो नहीं ऐसा कुछ। नहीं, वो तो अंदर में है ना। अच्छा, हम लोग शायद शॉर्टकट से गए होंगे। क्या था? राजप्रसाद। अच्छा, रॉयल पैलेस गोरगांव। रॉयल फैमिली रहने के लिए वो बनाया था। रेयर कॉइंस ड्यूरिंग अहोम डायनेस्टी। अच्छा, ये अहोम कॉइंस हैं। शेप में जो जो थे वो अहोम किंग प्रमोटर सिंघो का ऑक्टागोनल कॉइंस अहोम किंगडम का। तो चाइनीज लैंग्वेज में जो येन यांग बोलते हैं। चाइनीज में ये सारा? नहीं नहीं नहीं, ऑक्टागोनल शेप को चाइनीज लैंग्वेज में येन यांग बोलते हैं। येन यांग ऑक्टागोनल कॉइंस को चाइनीज में। तो ये वाला अहोम किंग प्रमोटर सिंघो का, ये मोजो जो होगा। किसका? मोजो। मोजो, ये जो अलग अलग बाजू में छोटे छोटे ये रेक्टेंगल्स रखे हुए, ये भी कॉइंस ही हैं। कॉइंस ही, ये गोल का है। मराठा डायनेस्टी का नाम बोलते हैं। मराठा, मराठा का कॉइन यहाँ क्यों? मराठा का तो इधर रूलर्स ही आते हैं। अच्छा अच्छा, कलेक्शन है। मराठा रूल तो इधर था नहीं ना। और ये मुगल का? मुगल कॉइंस भी अरबिक लैंग्वेज में। अरेबिक लैंग्वेज में? ओके। मुगल्स ने एक बार यहाँ पे अटैक किया था, लेकिन वो विन नहीं कर पाए थे। एक बार नहीं, बहुत बार आते थे। अच्छा अच्छा, तो मुझे याद है, एक तो मुझे याद है कि एक बार मुगल का अटैक यहाँ हुआ था। इसको आसामीस में हाथी का बोलते हैं क्या? अहोम डायनेस्टी का राइफल्स। राइफल है ये। क्या कैसे इसका यूज होता होगा? यहाँ से बारूद डालकर होता फूटी है ये वाला। हाँ हाँ, जो दीवार का जो होलता है ना। अच्छा, इतने छोटे से होल से यहाँ होल से निकल जाता है फायर, ऐसा कुछ यहाँ से टारगेट करने पे वहाँ से निकलता है। ये क्या है? ये पीने का नाला। किससे बना है? मिट्टी से। मिट्टी से? यहाँ लाऊ बोलते हैं ना, ऐसा एक लाऊ होता है गोल सा। हमारे स्टेट में लाऊ को ड्राई करके अंदर का पूरा मटेरियल निकाल देते हैं, तो वो पानी पीने के लिए ट्राइबल्स उस ड्राई वाले लाऊ का यूज करते हैं। हाँ, लाऊ का ऐसा पॉट बना के। ये बुलेट, ये है बुलेट सोता वाला। यहाँ पे
लड्डू जैसा दिख रहा है ये बुलेट है। गोरे वाला जो है ना तो तला तल में है ना वो बड़ा वाला बहुत हाँ हाँ उसके लिए। अच्छा मैं तला तल अंदर गई नहीं हूँ, बाहर से ही देखी दोल देखेंगे तो आप जीका सीरिया वेजिटेबल एक मिनट नहीं समझा। शिव दोल देखेंगे तो स्टार फिट डिजाइन स्टार जहाँ भी यहाँ पे देवी दोल होगा देवी दोल का शिखर ऐसा बना हुआ है। इधर तो नहीं सकते क्या नहीं तोड़ सकते नेचुरल डिजास्टर मुझे मत बताओ दो ऐसा अहम किंग गदर सिंह ने फाइट करने के लिए यूज किया था। अच्छा यहाँ पर जो फुटी देख रहे हैं कपड़ा बांधकर ऐसा ऐसा देखे कोई शत्रु सामने ना आए। अच्छा अच्छा ये तेरा वाला मुगल का है। अच्छा तिरछा वाला जो मुगल का है और इसको बोलते हैं गार्ड सॉरी साथ लेकर फाइट किया था घूम लिया था। और ये तीर धुंध से बोलता एक बार धुंध से ना आती है। ये भी एक राइफल से पानी हिलो बोल रहे हैं पाली पानी हिलो पानी हिलो हिलो पानी हिलो। और ये बुलेट मुगल का। अच्छा मुगल के टाइम का बाप रे ये तो उठ भी नहीं बहुत हैवी है हथियार ऐसे ही बना था अपने बड़े दीदी से। क्या बोलते हैं भाला बोलते हैं हम लोग तो हां बरसा बोलते हैं बरसा बरसा बरसा। तो इस तरफ डिजाइन में बनाया था ये वाला पोलिस इंडिया जाती तो ये नेचुरल एलिमेंट से बनाया हुआ जो सीमेंट है आजकल किससे बना है मोनूमेंट बनाने के लिए जो सीमेंट यूज किया था तो ये वाला नेचुरल एलिमेंट से ताकि स्नेल से जगरी स्टिकी राइस स्टिकी राइस और जगरी यूज हुआ है सीमेंट। हां सही है सारा मोनूमेंट ऐसे ही बनाया था। ये फसिल पट्टे का फसिल 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 थोड़ा सा दिख रहा है नहीं ये लाइट आ रहा है नेचुरल फसिल सही है। ये रॉक कट स्कल्पचर है रॉक कट विष्णु का जो कुर्मय अवतार तो कुर्मय अवतार दिखाने के लिए कुर्मय को अच्छे से कुर्मय अवतार वो कछुआ वाला टॉर्टोइस वाला जो उनका इनकार्नेशन था वो दिखाने ये वाला इधर 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 फॉकट मार्क्स म्यूजियम फॉकट राक्षस पट्टी है। हां 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 जो बनाने का जो तरीका ये अच्छा पहले बांस में बना के उसके बाद अपन में डाल देंगे मैंने रहता है पहले बम्बू उसके ऊपर ये फिर कॉटन कपड़ा क्या कॉटन कॉटन का कपड़ा फिर ऊपर ये काउडम काउडम गोबर और मिट्टी मिक्स करके काउडम इसको बोलते हैं कुहिला नदी के किनारे में पैदा होते हैं। क्या है कुहिला 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 कहाँ होता है ये नदी के किनारे में पैदा होते हैं। अच्छा अभी नहीं मिलते हैं। अच्छा अब मिलता नहीं है थर्मोकोल यूज करते हैं नो साइज से देने के थर्मोकोल। अच्छा पहले ये होहिला नोज के लिए यूज होता था अब नहीं मिलता तो अब थर्मोकोल यूज कर लेते हैं क्योंकि रखिए ये मिलता नहीं है। तो ये है मोहिनी मोहिनी समुद्र मंथन कर लिए समुद्र मंथन के टाइम जो निकली थी मोहिनी और ये पुतना कंसासव का। अच्छा विष्णु जी ने जो मोहिनी अवतार लिया था वो है ये मोहिनी और ये हां ये पुतना पुतना कंसासव का जो राज्य की कृष्ण को मारने के लिए पुतना ओके कंस की बहन ऐसा कुछ बहन नहीं कंस ने भेजा था पुतना को ओके। तो ये सूत्रधार क्या सूत्रधार सूत्रधार ओके जो स्टोरी सुनाते हैं सबको। हां हां ओके तो भावना कल्चर पर समझ सोसाइटी भावना कल्चर हां मैंने पढ़ा है कहीं जैसे डांसिंग इन सही नमस्कार तो आशा है। अच्छा ये इसीलिए जहां भी हम लोग जा रहे हैं आप लोग सब ऐसे नमस्कार यहां छोटे बच्चे भी बहुत अच्छे से विश करते हैं। ये है गरुड़पुष्प कृष्ण का बहाना ये लॉर्ड कृष्ण का ये मालूम है ये जामवन जामवन क्या बोला था जामवन राम का भक्त था वो जामवन नीचे भी है
तो वानर सेना में थे ना जामवंत, हाँ श्यामंत के एक्ट किए थे, श्यामंत को बोले के लिए वो फाइट किया था किसी के साथ 28 डेज, सर आपको याद नहीं है। फिर उसके बाद जवन जी के श्री कृष्ण को शादी कर दिया। किससे? जवन उसका बेटी। अच्छा जामवंती से किसने शादी की? श्री कृष्ण, श्री कृष्ण लॉर्ड कृष्ण ने। अच्छा जामवंत ने राम की हेल्प की थी सीता को लाने, और इनकी डॉटर से कृष्ण ने शादी की। फाइट किया था पहले श्यामंत मुनि, वो मुनि था वो ऐसा पावर था कोई शत्रु ना मरते ही ज्यादा भी रहते। एक सेनापति था। किसका सेनापति? कंस। कंस क्या नाम है? कंस का सेनापति। कृष्ण को मारने के लिए भेजा कृष्ण ऐसे ये हॉर्स के हेड के साथ। अच्छा अच्छा ये वही भावना था कि मैं ये हम जान चुके हैं। तो ये तो नरक नरसिंह है। नरसिंह श्री कृष्ण का 10 और विष्णु का 7 नंबर था। ये फोर्थ नंबर का इनकार्नेशन था विष्णु का। नरसिंह ये हॉर्स जैसा फिर क्यों लग रहा है? नरसिंह तो लायन जैसा लगता है एकदम। नाम सिंह। अच्छा हम लोग मतलब नरसिंह बोलते हैं या नाम सिंह? नाम सिंह। ये वाटर पाइप हम जगह में बनाया हुआ। वाटर पाइप पाइप हाँ। मिट्टी का ना ये नेचुरल एलिमेंट्स। ये पार्ट ऑफ पीस महापुरुष श्रीमंत शंकर का नाम सुनाई है आपने? महापुरुष श्रीमंत पत्ते में जो लिखा था पार्ट ऑफ। अच्छा 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 ये मैन्युस्क्रिप्ट पूरे ये इस पे जो लिखा हुआ ये पहला वाला ना उसका रुक्मिणीकरण श्रीमंत शंकर का ये गुणवाना बोलते हैं, और ये घोषा महापुरुष माधव माधव देव का, और ये भक्ति रत्नावली बोलते कि संस्कृत लैंग्वेज में लिखा था पहला वाला पुस्तक। बांग्ला में लिखा है। महाभारत मैं अभी कहाँ तक सीखी हूँ। महाभारत एक दिन में खत्म करना है इसको, नहीं तो मेंटल हो जाता है। कभी भी नहीं मजाक नहीं करना। मैं तो महाभारत 3 महीने से पढ़ रही हूँ, मेरे टेबल पे रखा हुआ है। मैं तो पढ़ रही हूँ एकदम। एक दिन में खत्म करना है ऐसा नहीं होता। अरे हम लोग उधर मेंटल होके बैठे हुए हैं। मैं तो नहीं हूं। ए मजाक नहीं करना। ए हरियाणा का लैंटर ये ब्रिटिश क्या ब्रिटिशर्स के टाइम का लैंटर देखा नहीं आपको? जानो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मृदंग। क्या है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? मृदंग। मृदंग हां। अच्छा तो ये इसमें फिर ये किससे? जैकफ्रूट से बनाया है। जैकफ्रूट के इसमें इससे बना है। तो उसके स्पाइंस कहां गए जैकफ्रूट के पूरे? यहाँ पे समरा काऊ। अच्छा बाद में चमड़ा। किसका चमड़ा लगता है? काऊ। काऊ तो ये जैक फ्रूट से बना है मृदंग, और इसमें काऊ का स्किन लगेगा बाद में वो बनाने। अच्छा तो ये सब ये पानी पीने का नाला ग्लास को जैसा स्टील यूज करते हैं। अच्छा पहले ग्लास ये कप ग्लास ऐसे मिट्टी के है ना ये सारे? मिट्टी मिट्टी खनन के बाद मिला। खनन के बाद खनन। अच्छा अच्छा एक्सकवेशन से आप लोग को ये सारा कुछ मिला होगा। तो ये हुका तो गंजा नौका बनाने के लिए नौका बोट 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 बनाने के लिए। अच्छा नौका नौका नाव बनाने भांगी का यूज होता है। ये मेटल यूटेंसिल क्या है? मेटल यूटेंसिल। अच्छा अच्छा मेटल का बना हुआ यूटेंसिल्स से। ये आ गया भाई दानव खड़ी। ओ इसको बोलते हैं मेलाही बाटी आसाम में। राइस बियर मेलाही बाटी बाटी मेलाही बाटी। सर अभी जो हम लोग वो जलपान खाए थे वो ऐसे ही था ना? मेलाही बाटी वो तो छोटा है, ये बड़ा बड़ा भाई है। वो हम लोग छोटे मेलाही बाटी खाए थे, ये बड़ा वाला। राइस बियर जलपान खाने के लिए इसके साथ। इसका जो पेन देख रहे हैं आप हैंगुल खाता बोलते हैं, ये लखनऊ स्टाइल पेन। ये तो हर घर में अभी वो उसका पीतल का बना हुआ रखा है ना? चौराहे रंगोली हराए बोलते हैं। रंगोली हराए 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 तो अभी आंटी बता रही थी ना सर। हराए
ये नशाले ले लो पेंट, नेचुरल पेंट चाहिए। हाँ, रॉक से बना थे ये, रॉक से ये पेंट बना है। तो ये वुडन के ऊपर इन्होंने रॉक से बना हुआ पेंट किया है, हो रहा है नेचुरल हो रहा है। तो ये वाला मेजरमेंट तुला से नहीं मिलते। अच्छा, पहले का ये वेइंग मशीन है। तो कैसे करते होंगे इसे? अच्छा, इधर इधर के वेट डालने पे ये स्ट्रेट हो रहा है यानी। अच्छा, इधर ही है ना बिंदी, जैसे मतलब ये 5 किलो का होगा सर, इधर डालने का बस ऐसा करके 5 किलो होगा, हो भी सकता है ना ऐसा करके। नहीं नहीं नहीं, इधर वही डालने का, देखो ना ये है इसके हिसाब से। अच्छा, ये मार्क्स के हिसाब से यहाँ होगा तो कम, इधर का तो ज्यादा। इधर होगा तो 1 किलो का होगा सर, 1 किलो का सामान रखेगा ऐसा होगा, ये सीधा जगह इसके हिसाब से ना। ये नई चीज पता चली, ब्रिटिश जमाने का। ये ब्रिटिशर्स के टाइम का है? तो ब्रिटिश समय टाइम का है ना, ऐसा माफी करता था, मान लो उसे देखने के लिए बना के रखा हुआ है। ये कोरिया बोलते हैं असम से, कोरिया का दूध खिलाने के लिए यूज किया था, बेंबू से बना है, बेंबू का बना होता है, इसमें गाय का दूध रखते हैं। हां, खिलाने के, खिलाने गाय गाय। अच्छा, दूध निकालने में इसे कलेक्ट करते हैं इसमें। अरे साल की बोल रहे हैं, आपने सामने देख कर खाना खाने के लिए यूज किया था। किसने? ये वाला टेबल। अच्छा, ये टेबल खाना खाने यूज होता है? हाँ, राजा ने देख कर खाना खाने। अच्छा, राजा इस टेबल का यूज बैठ के खाना खाने में करते हैं। ये नशेल पे ने हैंगुल खैतल बोलते हैं। क्या है हैंगुल खैतल? हैंगुल मींस रेड, खैतल मींस येलो। हैंगुल क्या है? खैतल। हैंगुल हैटल इस टेबल का नाम है? नहीं नहीं, वो पेन का नाम नेचुरल पेंट है। अच्छा, ये हैंगुल हैटल नेचुरल पेंट है जिससे ये से कलर किए हैं। और ये हाथ होने के लिए इसका था जैकफ्रूट अच्छे बना है। किसका बना है? जैकफ्रूट हाथ, जैकफ्रूट से। ये भी जैकफ्रूट से? इतने बड़े-बड़े जैकफ्रूट कहां मिलते हैं? खाने का भी और भी बड़ा विदेशा मना रखता था खाना पे सर, पर फिर भी इतना बड़ा जैकफ्रूट आजकल ये नहीं है, फिर छोटा छोटा है। तो ये क्या अंदर से पूरा इसका मटेरियल निकाल देते हैं जैक का, और बाहर से उसके स्पाइंस को हटा देते हैं? ये हैंड वॉश करने यूज होता था, वॉश बेसिन का। ये हो गया बड़ा भाई रावण दशानन। अच्छा, ये जितने लगे सब रावण के ही? रावण दशानन। ये कौन है? ये पैडल्स। ताई लैंग्वेज है ना, पैडल्स को लेकर एक आप देखिए, ये ताई देखा ना, ताई ताई लैंग्वेज के। नहीं नहीं, अभी हम लोग उधर नहीं गए डांस देखने, डांस करने का एक आदमी वो भी मर गया एक्सीडेंट के बाद। अच्छा अच्छा, ये रिसेंटली इनकी डेथ हुई है? एक महीना। अभी कल्चरल प्रोग्राम कुछ होने वाला है ना, कितने बजे स्टार्ट होगा ये वाला ग्राइंडिंग यूटेंसिल? हां, अच्छा, पहले जो ग्राइंड करते थे बहुत वस्तु भरने लगे हुआ बाप साइन और अनिल ने। কালচাল পর্যন্ত এই স্টেসুটো ফন্ততে হবো। হুম, হবো দে যাও আমি। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। ও ওখানে চলে গেছে।